हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडे सेशन। आज इस सेशन में हम देखने वाले हैं टाइम पीरियड की कॉम्पिटिशंस, जो हमने लास्ट सेशन के एंड में डिस्कस करी थी कि कैसे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बेस शियर कोफिशियंट AH कंप्यूट होगा। और हमने देखा था कि जोन फैक्टर, इंपॉर्टेंस फैक्टर, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर तो आप डायरेक्टली टेबल से पिकअप कर सकते हो, बट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ SA अपॉन G आपको टाइम पीरियड निकालना ही पड़ेगा, और वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अलग आएगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अलग आएगा, और क्यों अलग आएगा आज इस सेशन में हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। और मैं अभी आपको व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। तो हेयर आई एम ट्राइंग टू पुट दैट इक्वेशन अगेन। देखो, बेस शेयर कोफिशियंट है AH, जिसको आप जेड अपॉन टू इंटू SA अपॉन G इंटू I अपॉन R, यहाँ पे R मैं एक अलग शीट में लिख रहा हूँ। तो ये ही आपका एक बेसिक फॉर्मूला है, जिसकी वजह से आप एक्चुअली में बेस शेयर कोफिशिएंट निकालोगे, और फिर जितने भी डेड लोड्स इन वर्टिकल डायरेक्शन एक्ट कर रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, उन सबको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाने के लिए आपको AH इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन एंड AH इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने ये भी देखा था कि जेड अपॉन टू बेसिकली जोन फैक्टर है, ये आप टेबल से देख सकते हो, टेबल नंबर 16 ऑफ IRC 6। और SA अपॉन G आपको बेसिकली आएगा टाइम पीरियड कंप्यूट करके, और यही थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, लेंथी इन द सेंस इसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, और दिस इज इंपॉर्टेंस फैक्टर। इंपॉर्टेंस फैक्टर आप टेबल मेंशन इन IRC 6 वहां से देख सकते हो, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, डिपेंड्स अपॉन योर लोकेशन, योर टाइप ऑफ ब्रिज। अगर आपका एक रिवर ब्रिज है तो आपको एटलीस्ट 1.2 लेना ही है, एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1.5 होती है इंपॉर्टेंस फैक्टर की। तो हम इस केस में 1.2 कंसिडर कर रहे हैं, और इसका टेबल लास्ट सेशन में हमने देख ही रखा है। और रही बात अब रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर की, तो ये डिपेंड करता है कि आपका टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आपका एक वॉल टाइप अबटमेंट है या वॉल टाइप सब स्ट्रक्चर है, तो कोड में क्लियरली टेबल में मेंशन है कि इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन यू हैव टू कंसीडर आर इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एज 3 एंड आर इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन एज 1। एंड इसके पीछे के रीजंस क्या हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। फॉर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, प्लास्टिक हिंज या क्रैक फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि अगर आप इस प्लान को देखते हो जो हमारे केस में है, तो ये लेफ्ट टू राइट ट्रैफिक डायरेक्शन है। यहाँ पे मैं कोट कर देता हूँ, तो ये डायमेंशन है 0.8 मीटर्स और ये डायमेंशन है 12 मीटर्स। तो आप देख पा रहे हो कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जो कि ट्रैफिक डायरेक्शन है, वहां पे 0.8 मीटर्स ही आपके पास थिकनेस अवेलेबल है। तो डेफिनेटली देर आर हायर चांसेस कि प्लास्टिक हिंज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही बनेगी, और इसीलिए कोड ने बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन के लिए आपको रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर लेना है 1, जहाँ पे कोई हिंज नहीं बन सकती, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर लेना है 3। बट दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव अ वॉल टाइप अबटमेंट। अगर आपके पास एक सर्कुलर पियर है या एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पियर है, मतलब सिमेट्रिकल सेक्शन का पियर या सबस्ट्रक्चर या अबटमेंट है, इन दैट केस आर की वैल्यूज चेंज होंगी एंड वो आप कोर्ट से ले सकते हो। अगर आपके पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो आप डायरेक्टली दोनों डायरेक्शन में 1 भी ले सकते हो, करेक्ट। तो इसको एक बार कोर्ट से देख ही लेते हैं, और मैं आपके सामने अभी कोर्ट डिस्प्ले करता हूँ। तो हम इंपॉर्टेंस फैक्टर पे आए थे। इंपॉर्टेंस फैक्टर आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1.5 है, डिपेंडिंग अपॉन क्या उस जगह पे एक ही ऐसा ब्रिज है कि अगर वो टूट गया तो ऑल्टरनेटिव रूट नहीं है, और अगर 1.2 लेते हो तो रिवर ब्रिजेस के लिए एटलीस्ट 1.2 लेना ही है, तो वो हमने जस्टिफाई किया था इसको। अब आते हैं रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर्स पे। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपके पास रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर है 3, स्पेशली फॉर वॉल पियर्स एंड अबटमेंट्स। एंड फॉर वॉल पियर्स एंड अबटमेंट्स जहाँ प्लास्टिक हिंज डेवलप नहीं हो रही है इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, वहां पे आपको रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर लेना है 1। बट लेट से इफ यू हैव अ सबस्ट्रक्चर जहां पे आपके पास सिंगल कॉलम है, ओके, तो उन दोनों डायरेक्शंस में आपको सेम रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर लेना है, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 है फॉर जोन जहाँ पे डक्टाइल डिटेलिंग कर रहे हो, यानी कि हायर जोन पे। अदरवाइज आप अगर जोन 2 में हो विदाउट डक्टाइल डिटेलिंग के, तो इसको कम भी ले सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो PCC पियर्स एंड अबटमेंट, जो कि आजकल तो हम कहाँ ही प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत रेयरली कहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। वहां पे आप पूरा स्ट्रक्चर एज इलास्टिक डिजाइन करोगे, तो वहां पे आपको रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर 1 लेना है इन बोथ डायरेक्शंस। एंड फॉर सिंगल कॉलम टाइप सब स्ट्रक्चर आपको रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर लेना है 3 इन बोथ डायरेक्शंस। तो स्टार्टिंग में मैंने शायद आपको 1 बता दिया था फॉर स्क्वेयर एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, बट यस, अगर आप 1 लेते हो तो आप टोटल स्ट्रक्चर इलास्टिक डिजाइन कर रहे हो, आप उसकी डक्टिलिटी का इन्फ्लुएंस नहीं लेने वाले हो, और आप थोड़ा इकोनॉमिकल डिजाइन नहीं देने वाले हो। तो टू इंश्योर इकोनॉमी एज वेल एंड थोड़ा डक्टिलिटी का पार्ट भी एनर्जी डिसिपेशन में आ जाए, इस वजह से सिंगल कॉलम्स के लिए आप रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर 3 भी ले सकते हो। बी नहीं, 3 ही लेना है दोनों डायरेक्शन पे,
इसीलिए यहाँ पे कोई बाइफर्केशन नहीं है, ना लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ना ही ट्रांसवर्स डायरेक्शन में. सो दिस वाज अबाउट रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर्स, बट ये सारी चीजें हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके थे. बट आज इस सेशन में मेन इंपॉर्टेंस आने वाला है टाइम पीरियड कैलकुलेशंस, क्योंकि आप देख पा रहे हो अगेन एस ए अपॉन जी जो स्पेक्ट्रा यहाँ पे है, ये वाला स्पेक्ट्रा, इसमें एक एक्सिस पे टाइम पीरियड है और दूसरी एक्सिस पे एस ए अपॉन जी की वैल्यूज है, और मैक्सिमम वैल्यू 2.5 ही आ सकती है. ओके, तो और ये वाला फॉर्मूला बेस शेयर कोफिशियंट का जो है, आप यहाँ देख पा रहे हो ए एच जो कि हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशियंट है, जेड अपॉन टू इंटू आई इंटू एस ए अपॉन जी. अब कोड क्लियरली कहता है अगर आपको टाइम पीरियड की कैलकुलेशंस नहीं करनी है तो आप एस ए अपॉन जी 2.5 ले लो, बट वो तभी है अगर आप नहीं करना चाह रहे हो. यहाँ पे कहीं लिखा होगा यस हेयर इज दिस, तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि इन एब्सेंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फंडामेंटल पीरियड ऑफ स्मॉल ब्रिजेस एस ए अपॉन जी में बी टेकन एज 2.5, बट दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच. एस ए अपॉन जी निकालने का बहुत अच्छा मेथड दे रखा है, आपके पास ये सारी इक्वेशंस भी हैं, बस आपको टाइम पीरियड कंप्यूट करना है एक बार लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और एक बार ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, और उसके लिए एनेक्शर डी यहीं पे कहीं मेंशन है, आप देख पा रहे हो, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ. द फंडामेंटल टाइम पीरियड और फंडामेंटल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेथड गिवन इन एनेक्शर डी. तो अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस गो टू एनेक्शर नंबर डी, और मैं यहाँ पे एनेक्शर डी पे पहुंच चुका हूँ. अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ फोकस करने वाली मेन बात है कि फॉर्मूला एक ही है, ये वाला फॉर्मूला टाइम पीरियड कंप्यूट करने का दोनों डायरेक्शन के लिए सेम है. डिफरेंस आने वाला है आपके डी में फॉर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन एंड इन कंप्यूटेशन ऑफ एफ विच इज द स्टिफनेस और द फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट टॉप ऑफ अबटमेंट कैप और बेरिंग लेवल. तो ये हम अभी देखते हैं थोड़ी डिटेल में, और सारी आज की एक्सरसाइज इन्हीं पे फोकस रहने वाली है. बट उससे पहले, क्योंकि अब आपको यहाँ पे इस फॉर्मूला में सिर्फ डी एंड एफ ही वेरिएबल है, तो लेट अस ट्राई टू फिगर आउट कि ये डी और एफ हमें क्या क्या लेने हैं. तो पहले हम इन दोनों क्लॉजेस को पढ़ लेते हैं, फिर आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाया जाएगा कि डी और एफ दोनों डायरेक्शन में क्या लेने हैं. तो डी इज अप्रोप्रिएट डेड लोड ऑफ सुपरस्ट्रक्चर एंड लाइव लोड इन किलो न्यूटन्स. तो ये चीज ध्यान रखना, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि यूनिट्स पे ध्यान रखना, तो आपको दोनों ही यूनिट्स किलो न्यूटन्स वाले लेने हैं फॉर दिस फॉर्मूला टू वर्क. इसीलिए बहुत ही क्लियरली कोड में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि यस यू हैव टू टेक दीज वैल्यूज इन किलो न्यूटन्स. एंड जब ये कह रहे हैं अप्रोप्रिएट डेड लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है कि आपको अबटमेंट कैप, डर्ट वॉल स्टेम, अबटमेंट स्टेम, अबटमेंट फुटिंग का वेट भी ऐड कर देना है. बहुत ही क्लियरली कोड लिखता है सुपर स्ट्रक्चर की वजह से जो भी डेड लोड जा रहे हैं, चाहे वो वेयरिंग पोर्ट हो, क्रैश कैरियर्स हो, या डेक स्लैब हो, गर्डर हो, जो भी टोटल सुपर स्ट्रक्चर की वजह से डेड लोड्स प्लस सुपर इम्पोज डेड लोड्स, इनको आपको कंप्यूट करके यूज करना है इस वाली इक्वेशन में फॉर टाइम पीरियड कैलकुलेशंस. एंड नॉट ओनली दिस, नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट जहाँ पे फोर्स की कंप्यूटेशन है. तो यार इसमें दो चीजें हैं, फॉर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन सेपरेट है एंड फॉर ट्रांसवर्स डायरेक्शन सेपरेट है. तो पहला जो सेंटेंस कंप्लीट होगा वो है ट्रांसवर्स डायरेक्शन के लिए, और इसको हम अच्छे से व्हाइट बोर्ड पे देखने ही वाले हैं, तो आप इसको ध्यान से एक बार रीड करना जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ. एफ इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स इन किलो न्यूटन रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ सुपर स्ट्रक्चर फॉर 1 mm हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन एट टॉप ऑफ पियर अबटमेंट फॉर अर्थक्वेक इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन. तो अगर आप सिर्फ इस येलो हाईलाइटेड टेक्स्ट को रीड करोगे और आगे वाले सेंटेंस पे फोकस अभी नहीं करो, इसी को इंटरप्रेट करें अगर हम, तो ये सिंपली इतनी सी चीज कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स इन किलो न्यूटन रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास ऑफ सुपर स्ट्रक्चर. आपको याद है ना, हमने ऑलरेडी एक लाइन डायग्राम बना रखी है जहाँ पे अलग अलग लेवल्स पे हमने क्या रिड्यूस लेवल्स हैं अलग अलग लोकेशंस पे वो लिखे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो अभी मैंने डॉटेड सा पोर्शन बनाया है, ये आपका लेट से अबटमेंट टॉप है, सॉरी अबटमेंट कैप का टॉप है या बेयरिंग टॉप है, जिसको मैं बेयरिंग टॉप लिख देता हूँ. ओके, एंड ये वाला जो रेड में अभी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये आपके केस में लेट से सीजी ऑफ सुपर स्ट्रक्चर है फ्रॉम बेयरिंग लेवल. ओके, तो इसको मैं अगर डिनोट कर दूं सीजी ऑफ सुपरस्ट्रक्चर से, जस्ट ए सेकेंड, तो इसको लिख देते हैं सीजी ऑफ सुपरस्ट्रक्चर. तो देखो यार, इंपॉर्टेंट चीज इसमें अब ये आने वाली है कि आपको अब इस केस में लोड अप्लाई करना है, या एफ की जो एप्लीकेशन है वो आपको सीजी ऑफ सुपरस्ट्रक्चर पे करनी है फॉर ट्रांसवर्स केस, बट आपको डिफ्लेक्शन जो चेक करनी है वो बेयरिंग टॉप पे या अबटमेंट और पियर के टॉप पे करनी है.
अगर आपके पास एक सॉलिड एक्स लैब है जहाँ पे बेरिंग्स का कोई रोल ही नहीं है, बेरिंग्स है ही नहीं, तो आपको पियर कैप और अबटमेंट कैप पे ही लेवल लेनी है, डिफ्लेक्शन लेनी है। अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे सब स्ट्रक्चर के ऊपर बेरिंग्स भी हैं क्योंकि गर्डर टाइप अरेंजमेंट है, या फिर एक बॉक्स टाइप सेक्शन है ऊपर, मतलब फॉर एनी रीजन इफ देर आर बेरिंग्स ऑन योर पियर कैप और अबटमेंट कैप, देन यू हैव टू कंप्यूट दैट 1 mm डिफ्लेक्शन एट बेरिंग टॉप। सो अगर मैं इसका एक डिफ्लेक्टेड कर्व बनाऊं ड्यू टू फोर्स इन दिस डायरेक्शन, जो आप ये वाला फोर्स हाइलाइटेड सर्कल फोर्स देख पा रहे हो, तो फोर्स तो अप्लाई करना है एट सीजी ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, बट 1 mm डिफ्लेक्शन चेक करनी है एट बेरिंग टॉप। तो ये डिफरेंस है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन के लिए ये वाला प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है। बट अगर अब हम इससे रीड करते हैं, जो मैं सेकेंड हाईलाइटेड लाइट लाइन करने वाला हूँ, लेट्स से इसे करते हैं ऑरेंज शेड से, या लेट्स से इसे करते हैं हम पर्पल शेड से। द फोर्स टू बी अप्लाइड एट टॉप ऑफ बेरिंग्स फॉर द अर्थक्वेक इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में जो येलो और पर्पल शेड में है, येलो शेड इज फॉर ट्रांसवर्स एंड पर्पल शेड इज फॉर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो इसमें अगर आप रीड कर पा रहे हो क्लियरली इंडिकेट किया हुआ है कि फॉर ट्रांसवर्स डायरेक्शन फोर्स की एप्लीकेशन और डिफ्लेक्शन की मेजरमेंट अलग अलग पॉइंट पे करनी है। फोर्स अप्लाई करना है आपको सीधी ऑफ सुपरस्ट्रक्चर पे और डिफ्लेक्शन मेजर करनी है आपको बेरिंग टॉप पे, बट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन भी आपको बेरिंग टॉप पे मेजर करनी है और फोर्स भी आपको बेरिंग टॉप पे ही एक्ट करवाना है। उसके बाद ही आप बेसिकली टाइम पीरियड की कंप्यूटेशंस पे आओगे। तो अब इस सारी चीज को मैं एक बार ले चलता हूँ बेसिकली व्हाइट बोर्ड पे, ताकि आपको ये डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो अब हम आते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं नीचे एंड आपको बताया जाएगा एक्चुअल में क्या होने वाला है। तो बेसिकली सीज़मिक कोफिशिएंट फॉर लॉन्गिट्यूडनल केस एंड यहाँ पे है सीज़मिक कोफिशिएंट फॉर ट्रांसवर्स केस। इसकी कॉम्पिटेशंस चलेंगी और इन कॉम्पिटेशंस में आप अभी देखने वाले हो कि बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। तो मैं इसको बाइफरकेट कर देता हूँ। तो पहली चीज तो ये है जो हमें ध्यान रखनी है कि दोनों ही वैल्यूज अलग आएंगी फॉर ए वॉल टाइप पेयर। क्यों अलग आएंगी? क्योंकि जो एफ और डी और डिफ्लेक्शन निकाले हैं वो अलग अलग जगह पे है। तो फॉर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन आपको 1 mm डिफ्लेक्शन मेजर करना है यहाँ टॉप पे, और ये फोर्स की एप्लीकेशन भी यहीं पर है और डिफ्लेक्शन भी आपको इसी लेवल पे कंप्यूट करनी है, ठीक है। बट फॉर ट्रांसवर्स केस आपको फोर्स तो अप्लाई करना है सीजी ऑफ सुपरस्ट्रक्चर पे, लेकिन डिफ्लेक्शन आपको निकालनी है बेरिंग टॉप पे। तो यहाँ पे मैं डेल्टा लिख देता हूँ फॉर डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन एक्चुअली आपको 1 mm ही लेनी है, जिसको आप 1 mm कर सकते हो, तभी आपके पास ये फोर्स की वैल्यू आएगी यूजिंग सिंपल कैंटिलीवर की डिफ्लेक्शन का बेसिक जनरल जो फॉर्मूला है, और वो भी अभी हम देखने वाले हैं इन सम टाइम। तो ये आपके पास पहली चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल कंप्यूटिंग बेस शियर कोफिशिएंट इन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। और यही एक चीज है जहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं, एंड इन मेनी टाइम्स आप एक ही यही वाली वैल्यू यूज करके दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हो। बट दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर टाइप ऑफ शेप ऑफ सबस्ट्रक्चर, ओके। तो ये तो फर्स्ट वाला केस तो इनवैलिड, मतलब हर एक केस में वैलिड रहने वाला है। अब हम आते हैं सेकंड केस में। ये तो एफ की हमने बात की कि एफ कहाँ लगना चाहिए और डिफ्लेक्शन कहाँ आनी चाहिए। सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो है डी, जो कि लोड है। अगर आप वापिस से कोड देखना चाहोगे तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डी भी लिखा हुआ है, दिस वैल्यू डी। तो ये डी अप्रोप्रिएट डेड लोड ऑफ सुपरस्ट्रक्चर एंड लाइव लोड इन किलोन्यूटन्स। तो ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अलग है और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अलग है। ऐसा क्यों है वो अभी हम यहाँ देखने वाले हैं। एक्चुअली फॉर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन आप लाइव लोड का इफेक्ट नहीं कंसिडर करते, और ये चीज कोड में ही लिखी गई है, इसको हम कोड में अभी रीड करेंगे। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको जब भी कंप्यूट करना है डेड लोड्स एंड लाइव लोड्स फॉर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो एक्चुअल में आपको सिर्फ डेड लोड प्लस सुपर इम्पोज डेड लोड, जो ये वैल्यू आएगी वही कंप्यूट करनी है। बट इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स डायरेक्शन आपको डेड लोड प्लस सुपर इम्पोज डेड लोड ड्यू टू सुपरस्ट्रक्चर प्लस 20% ऑफ लाइव लोड भी कंसिडर करना है। बस ये एक और डिफरेंस है जो आपको दोनों केसेस में पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी काफी बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि आप बेस शेयर कोफिशिएंट कैसे निकालते हो फॉर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड फॉर सीज्मिक डायरेक्शन। और फिर उनका अगला क्वेश्चन होता है कि अगर आपके पास सबस्ट्रक्चर की प्लान शेप सिमेट्रिकल नहीं है तो क्या डिफरेंसेज आएंगे, और अगर आपके पास सबस्ट्रक्चर सिंगल है, यहाँ की यहाँ
सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन है उसका, फॉर एग्जाम्पल एफ स्क्वेयर है या फिर सर्कुलर पियर है, उस केस में क्या वेरिएशन आएंगे। तो यहाँ पे भी दोनों ही केसेस में 1 एंड 2 पॉइंट दोनों वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन से कोई लेना देना नहीं आ रहा है अभी, करेक्ट। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, जो थोड़ा सा टिपिकल है फॉर वॉल टाइप अबटमेंट्स या फॉर प्लान्स फॉर सेक्शंस विद अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन। तो वो जो थर्ड पॉइंट है, पहले मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि 20% ऑफ लाइव लोड कहाँ लिखा हुआ है कि हमें लाइव लोड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में नहीं लेना है, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे कंसिडर करते हैं। तो लेट अस मूव टू कोड अगेन, एंड यहाँ पे हम चलते हैं पेज 35 पे, आई थिंक कुछ मिल जाएगा। तो ये सीज़मिक चार्ट है और यहाँ लाइव लोड के कंपोनेंट्स कहीं लिखे होंगे, यस। तो आप ये वाला क्लॉज रीड करना भी ध्यान से, यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्लियरली लिखा हुआ है। लाइव लोड कॉम्पोनेंट्स, द हॉरिजॉन्ट द सीज़मिक फोर्स ड्यू टू लाइव लोड शल नॉट बी कंसिडर्ड व्हेन एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, बट इट शेल बी कंसिडर्ड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ट्रैफिक। तो पहले सब क्लॉज में वो ये कहता है कि लाइव लोड का इफेक्ट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ही लेना है, बट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में नहीं लेना है, बट ये नहीं बताता कि कितना परसेंट लेना है फर्स्ट सब क्लॉज में। तो उसके लिए सेकंड सब क्लॉज में क्लियरली लिखता है हॉरिजॉन्टल सीज़मिक फोर्स इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन या डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ट्रैफिक, सॉरी नॉट इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ट्रैफिक जो कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, इट शेल बी कैलकुलेटेड यूजिंग 20% लाइव लोड विदाउट इम्पैक्ट फैक्टर और एक्सक्लूडिंग इम्पैक्ट फैक्टर। तो आपको पता ही है अभी जो भी हमने रिजल्ट टेबुलेट किए हैं हमारे प्रीवियस सेशन में, चाहे वो रिएक्शन हो या मैक्सिमम ट्रांसवर्स मोमेंट हो ड्यू टू लाइव लोड, उस पर अभी इम्पैक्ट फैक्टर नहीं लगाया है। तो आप एज इट इज मैक्सिमम रिएक्शन वैल्यू ले सकते हो लाइव लोड की और उसको 20% लगा सकते हो। अब इसमें भी एक कैच है, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो पहली चीज ये आपको क्लियर हो गई ना कि सेकंड वाला सब क्लॉज में लाइव लोड कहाँ लेना है और कहाँ नहीं लेना है, क्योंकि कोड में लिखा ही हुआ है। अब थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या आएगा एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या आएगा। तो देखो अगर आपके पास यहाँ पे मैं एक छोटा सा अगर प्लान बना दूं, तो आपको ये चीज पहले क्लियर होनी चाहिए कि लेट से अगर आप ये एल एल एक्सिस है हमने जो नॉमन क्लियर किया था स्टार्टिंग में, इसके अबाउट जो भी मोमेंट लग रहा है वो है एम टी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो अगर आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट देख रहे हो, इस एक्सिस के अबाउट नॉट अलोंग, इस एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट देख रहे हो, तो ये एक्सिस जिस भी डायमेंशन को कट कर रही है ना, इसका क्यूब लेना होता है। तो लेट से ये आपके पास 12 मीटर था और ये आपके पास 0.8 मीटर था जो कि थिकनेस ऑफ अबटमेंट है, अबटमेंट स्टेम है। तो इन दिस केस आपको क्यूब लेना है 12 का फॉर एम टी। तो डेफिनेटली अगर मैं 12 का क्यूब लूंगा और यहाँ पे 0.8 रखूंगा, तो बी डी क्यूब अपॉन 12, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो ये एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आने वाली है जो कि m4 में है, क्योंकि ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है। बट अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लेता हूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। उस केस में क्या करना है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ राइट साइड पे, या मतलब यहीं पे इसको अगर मैं एक अलग एक्सिस से इंडिकेट करूँ जो कि एक्सिस टी टी है हमारे केस में, और इसके अबाउट जो मोमेंट लग रहा है वो है एम एल अलॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बट अबाउट ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो ये जो टी टी एक्सिस आ रही है ये छोटी डायमेंशन को कट कर रही है, तो हमें इसी का क्यूब करना है, छोटी डायमेंशन को जिसको वो कट करी है उसका क्यूब करना है। तो इस केस में एक्चुअल में 12 का क्यूब नहीं होगा, 0.8 का क्यूब होगा, और आप देख ही पाओगे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शियाज में। अब ये तो एक बात थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस्ड ऑन क्रॉस सेक्शन शेप एंड एक्सिस ऑफ मोमेंट चेंज हुआ है, तो ये तीनों अलग ही रहेंगी, ये दोनों अलग ही रहेंगी लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। बट इसमें एक और कैच है जो हम फर्दर जब आगे कंप्यूटेशंस करेंगे टाइम पीरियड्स की, तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्रैक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब लेना है और अनक्रैक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब लेना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हिंट देने के पर्पज से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे केस में हम क्रैक मोमेंट ऑफ इनर्शिया 75% ऑफ अनक्रैक मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, और यहाँ पे हम टोटल अनक्रैक्ड वाला ही लेने वाले हैं। इसके पीछे का भी वही रीजन है, क्योंकि आपने रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लिया है 3, इट मीन्स वहां पे प्लास्टिक हिंज की फॉर्मेशन होने वाली है या पॉसिबिलिटी है, इसीलिए आपने उसको 0.3 करके लिया, ताकि उसकी अर्थक्वेक की जितनी भी एनर्जी है डिफॉर्मेशन में डिसिपेट हो जाए और स्टील भी अपना रोल प्ले करे, डक्टाइल डिटेलिंग की वजह से काफी एनर्जी डिसिपेट हो सकती है, डिफॉर्मेशन एक्सेसिव होंगी, बट ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा एज इट इज पूरा का पूरा।
तो ये कोड में क्लियरली लिखा है कि आपको 75% ऑफ अनक्रैक्ड मोमेंट इनर्शिया लेना है अगर आप रिगरस कैलकुलेशंस या बहुत डिटेल कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जब हम ये आगे आप कंप्यूट करेंगे, टाइम पीरियड को निकालेंगे, जिसका बेसिक फॉर्मूला है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन 1000 f, एंड ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अलग आएगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अलग आएगा, क्योंकि d लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अलग है, देख पा रहे हो ना आप, यहाँ से यहाँ पे इतना सही है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इतना बड़ा है। और फोर्स भी अलग आएगा, क्यों अलग आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे फोर्स की एप्लीकेशन cg पे है और यहाँ के फोर्स की एप्लीकेशन और डिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन सेम जगह पे है। तो इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन फोर्स एंड डिफ्लेक्शन आर एट डिफरेंट लेवल्स, बट इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन फोर्स एंड डिफ्लेक्शन आर एट सेम लेवल्स। सो अभी मैं आपको स्प्रेडशीट पे लेके जाता हूँ कि डी कैसे कंप्यूट होगा, और फिर आप देखना कि हम कैसे इस प्रोसीजर को आज इस सेशन में बेस शेयर कोफिशिएंट इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड बेस शेयर कोफिशिएंट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन कंप्यूट करते हैं। तो लेट अस गो टू दैट स्प्रेडशीट जहां मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमने ऑलरेडी जो वैल्यूज कंप्यूट किए हैं वर्टिकल लोड्स की, वो डी में कैसे अब हम यूज करेंगे। ये देखो यहाँ पे लाइव लोड्स का टेबल है, इसमें 158 मैक्सिमम वैल्यू है, ओके। तो हम वहां पे पहले 20% ऑफ 158 लेंगे, ऑलरेडी ऑलरेडी किलो न्यूटन्स में है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्निप करके वहां पेस्ट कर देता हूँ। एक्चुअली ये ब्रेकिंग फोर्स है, ये नहीं लेना है, ऊपर वाले फोर्सेस लेने हैं। तो यहाँ 1038 है, तो ब्रेकिंग फोर्स हम वहाँ ऐड कर रहे थे तो गलती हो जाती, तो यहाँ पे आ जाओ। और यहाँ से हमें बस लाइव लोड लेना है, लाइव लोड की वैल्यू है 1038, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 20% ऑफ 1038, क्योंकि हम मैक्सिमम वाला केस उठा रहे हैं, बस इसका इतना ही काम था, इसको कर दो डिलीट। और यहाँ डेड लोड प्लस SIDL के लिए अभी यार वापस आते हैं अपने स्प्रेडशीट पे, तो वो सुपर स्ट्रक्चर का डेड लोड है, ये आपने उस कोड में पढ़ लिया है, तो अब जो भी यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर से वैल्यूज आ रही थी वहीं तक हमें लेना है। तो आप देख पा रहे हो क्रॉस बीम तक यहाँ तक वैल्यूज आ रही है, तो इसमें भी आपको इन सारी वैल्यूज पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये वाली वैल्यूज एक्चुअल में वर्टिकल फोर्सेस नहीं है। तो ये जो येलो हाईलाइटेड वैल्यूज हैं, जहाँ पे वेरिंग कोट फ्रॉम अप्रोच स्लैब, क्रैश पैरियर्स फ्रॉम अप्रोच स्लैब, डेक स्लैब अप्रोच स्लैब, मेन गर्डर्स जो कि 3 से मल्टीप्लाई हुए होंगे डेफिनेटली, ये 3 वाली वैल्यू आप देख रहे हो, ये वाली, एंड क्रॉस बीम जो सिंगल ही रहेगा। तो इन सब का जो टोटल सम बन रहा है आप यहाँ नोट कर सकते हो, एट बॉटम 1782 बन रहा है। तो इसी को मैं यहाँ एक बार एनोटेट कर देता हूँ, तो आप यहाँ देख पा रहे हो 1782 वैल्यू बन रही है इनका जब मैं सम करता हूँ, ठीक है। तो देखो जब मैंने सिर्फ 135 पे क्लिक किया है तो सम नहीं आ रहा है, जब मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो 194 आ रहा है। वैसे ही जब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ जो सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, तो 1782 वैल्यू आ रही है। इस 1782 वैल्यू को ही मैं यहाँ पे अभी एंटर करूंगा 1782, और ये दोनों ही केसेस में सेम रहने वाली है। तो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में 1782 किलो न्यूटन आ गया डी, एंड फॉर ट्रांसवर्स डायरेक्शन ये आप 20% इसका ले सकते हो, तो मैं 0.2 टाइम्स 1038 कर देता हूँ, तो 207 आता है, 1782 प्लस 207.6, एंड दिस इज इक्वल टू 1989.6, या रफली इसको 1990 किलो न्यूटन्स ले लो। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हमेशा ही आप फोर्सेस जो है डी की वैल्यू जो है एज पर कोड वो ज्यादा लोगे व्हेन कंपेयर्ड विद दी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो ये पहला कैच था, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है कि डेड लोड प्लस SIDL ही ले लिया। हाँ अगर आपको बहुत कंजर्वेटिव डिजाइन करना है और आप इसको इग्नोर ही कर दो, तो डेफिनेटली जब आप डी कम ले रहे हो तो आप टाइम पीरियड कम लोगे एज पर दिस फॉर्मूला, डी अपॉन 1000 टाइम्स f, और यहाँ पे स्क्वेयर रूट है और यहाँ पे 2 है, टी इक्वल टू दिस। तो जब आप इसको इग्नोर ही कर दोगे, आप बोलोगे कि मान लिया कि लाइव लोड चल ही नहीं रहा है, तो उस केस में तो ये वैलिड हो जाएगी ना इक्वेशन। तो यार फिर बात ये है कि जब लाइव लोड नहीं चल रहा है तो फिर लाइव लोड पे तो सीज्मिक फोर्सेज लगेंगे, वो भी कंप्यूट मत करना, एट द एंड ऑफ द डे आप फिर कम फोर्सेज ही लेने वाले हो, इसीलिए मिनिमम 20% हमेशा आप लेना, चाहे आप मैक्सिमम रिएक्शन केस का ले लो या मिनिमम का ले लो, बट लेना जरूर। तो ठीक है यहाँ तक क्लियर है सारा कुछ। अब आते हैं जो थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है फॉर्मूला, वो है फोर्स का फॉर्मूला।
यहाँ एफ का फॉर्मूला। एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट पहले हम आएंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन। करेक्ट, ट्रांसवर्स डायरेक्शन के लिए एक बार मैं फॉर्मूला पेंडम कर देता हूँ। इसको लिखते हैं पी, यहाँ वाई इज इक्वल टू, जो कि डिफ्लेक्शन है, वाई इज इक्वल टू पी टाइम्स एक्स स्क्वेयर अपॉन सिक्स टाइम्स ई इंटू आई थ्री एल माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कैच आने वाला है जो आपको सुन के अच्छा लगेगा। तो यार यहाँ पे क्या होने वाला है, अभी ये जो आई की वैल्यू है ना, ये वेरी होगी इन दोनों ही केसेस में। अब आप बोलोगे सेक्शन तो सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे अलग हो जाएगा? यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है आप किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो। जैसे कि ये हमारा प्लान डायमेंशन है अबटमेंट का, ये 800 mm है आपको पता ही है, और ये 12,000 है, मतलब 12 मीटर था ना, तो मैं अभी मिलीमीटर्स में सारी कैलकुलेशंस करने वाला हूँ। और एज पर आर साइन कन्वेंशन, इस वाली एक्सिस को हमने क्या कहा था, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या डबल एल, और इस वाली एक्सिस को हमने कहा था ट्रांसवर्स एक्सिस या एम टी टी। तो जब आप कंप्यूट करोगे एम अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो वो एम अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस आ रहा है, तो उस केस में ये जो छोटी डायमेंशन है 800 का और ये जो 12,000 की डायमेंशन है, इनमें से आपको 800 का क्यूब करना है। करेक्ट, तो पहले हम इस फोर्स की कॉम्पिटिशन के लिए ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ इंसर्कल किया है इसको ऐसे ही रखो, इसको एक्चुअली मूव करते हैं बीच में ताकि ये यहाँ पे ही रहे। ये क्या रह गया पी, तो ये अभी बीच में, इसका मतलब है कि अभी इस पे बस चर्चा हो रही है, अभी कुछ कैलकुलेशंस नहीं हो रही हैं। अब आई की वैल्यू निकालो, क्योंकि आई आपको दोनों ही केसेस में चाहिए, तो फोर्स के अंदर सब पार्ट जो आने वाला है वो है आई, आई इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो मैं आई को आई लॉन्ग कर रहा हूँ और यहाँ पे आई को आई ट्रांस कर रहा हूँ। तो आपको पता है ना, जिस भी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट चेक करना है, तो वहां पे क्यूब किस एक्सिस का होगा, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो अगर सिंपल छोटा सा मैं एक स्केच बना रहा हूँ, यही 12 मीटर्स है और ये आपके पास 800 ले लो, इसको 12,000 ले लो। तो अगर अभी आप ले रहे हो ये वाली एक्सिस कंसीडर कर रहे हो टी वाली, तो जब आप इसके अबाउट मोमेंट निकाल रहे हो जो कि एम एल आने वाला है, तो जिस अब जैसे हम टी वाली एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं ना, तो जिस एक्सिस को आप कंसीडर कर रहे हो वो जो डायमेंशन कट करेगी, ठीक है, कंसीडर एंड कट इस पे फोकस करो। जिस एक्सिस को आप कंसीडर कर रहे हो, जैसे टी एक्सिस कर रहे हैं, उसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं एम एल, तो जिस एक्सिस को आप कंसीडर कर रहे हो वो जो डायमेंशन कट करिए, जो कि हमारे केस में छोटी डायमेंशन है, उसका क्यूब होगा। तो जो डायमेंशन कट हो रही है क्यूब उसका होगा। इसको कैसे याद रखोगे, कट एंड क्यूब से। तो बस वैसे याद नहीं रखना है, अगर आप बार बार ये चीजें करोगे तो आपको खुद ही ध्यान में रहेगा। और लॉजिकली अगर सोचो, इन सारे पंखों में नहीं पढ़ना है, लॉजिकली भी सोचो, तो यार लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपके पास 800 की थिकनेस है, तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम ही आना चाहिए ना, तो वो अभी यहाँ कंप्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी डी क्यूब बाई 12, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है, बी डी क्यूब बाई 12 में बी होने वाला है आपके केस में 12,000, डी होने वाला है आपके केस में, डी मतलब डेप्थ या थिकनेस, ये होने वाली 800, और इसका क्यूब अपॉन 12। और ये जो वैल्यू आएगी, अगेन बता रहा हूँ यूनिट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आने वाला है, ये वैल्यू आएगी मिलीमीटर्स टू द पावर 4। अब यहाँ पे एक कैच है, वो हम बताते हैं क्या कैच है। तो वापिस से डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों को साइमल्टेनियसली, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में 12,000 mm की डायमेंशन है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेटली बहुत ज्यादा होना चाहिए। लास्ट सेशन में भी हमने ऐसी कुछ डिस्कशन की थी, करेक्ट। तो उसी केस को आप अगर यहाँ पे देखते हो, 800 का आप क्यूब नहीं होगा, 12,000 का क्यूब होगा। इसको भी वैसे ही याद रख सकते हो यार, कि जो डायमेंशन अब ट्रांसफर डायरेक्शन के लिए मुझे इसके अबाउट लेना है, इस एक्सिस के, तो मेन एक्सिस बन गई एल एल, करेक्ट। तो एल एल जिस भी डायमेंशन को कट कर रही है उसका क्यूब लेना है, तो एल एल करिए 12,000 का कट, इसीलिए इसका क्यूब लिया। लेकिन यहाँ पे अभी एक फैक्टर लगने वाला है जो कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में नहीं लगेगा। वो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, प्लास्टिक हिंज बनने की संभावना लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही है,
इसीलिए यहाँ पे जब क्रैक आएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्रैक्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना, बस ये एक और कैच है सीज्मिक फोर्सेस में। एक्चुअली इसमें कैच इतने आ जाएंगे धीरे धीरे करते करते, तभी लोग घबरा जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं और सीज्मिक फोर्सेस करते ही नहीं है कंप्यूट। तो तीन कैच हैं। पहला कैच है कि आपको टोटल फोर्स जो डी वैल्यू हमने कंप्यूट की वो अलग है ट्रांसवर्स डायरेक्शन के लिए और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के लिए। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में 20% लाइव लोड भी ऐड होगा। फिर दूसरा कैच है कि जो आप फोर्स कंप्यूट करोगे और जो आप डिफ्लेक्शन निकालोगे वो अलग अलग जगह पे होगी फॉर ट्रांसवर्स केस, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल केस में सेम पॉइंट पे होगी। और तीसरा कैच जो अभी यहाँ पे आ गया है वो है कि जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, क्योंकि प्लास्टिक हिंज बनने की संभावना है, हमने ऑलरेडी रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर भी वहाँ 3 लिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्रैक्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जो कि आप 75% ऑफ अनक्रैक्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले सकते हो अगर आप रिगरस कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हो, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये भी कोड में लिखा हुआ है। कोड में आपको पहले पढ़ा देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कोड में हो और स्किप हो जाए। तो यार ये देखो बहुत ही क्लियरली यहाँ पे हम देखते हैं, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये आप देख लो। पहले इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो मुद्दे की चीज़ है, उसके बाद इसको पढ़ते हैं। फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ ब्रिज इज टू बी कैलकुलेटेड बाय एनी रेशनल मेथड ऑफ एनालिसिस अडॉप्टिंग द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट ईसीएम एज पर IRC 112। तो ईसीएम पे भी अभी हम आते हैं, वो कैसे कंप्यूट होगी। एंड कंसिडरिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रैक्ड सेक्शन, लिखा ना यहाँ क्रैक्ड सेक्शन, विच कैन बी टेकन एज 75% या 0.75 टाइम्स द मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ग्रॉस अनक्रैक्ड सेक्शन इन द एब्सेंस ऑफ रिग्रेस कैलकुलेशन। अब इस रिग्रेस कैलकुलेशन का मतलब ये है कि या तो आप एग्जैक्टली रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस करो, या आप टाइम हिस्ट्री एनालिसिस करो, या आप पुश ओवर एनालिसिस करो, इनके बाद जो एक्चुअल बिहेवियर सॉफ्टवेयर दे रहा है वो इसको सिमुलेट कर दो। बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप क्लियरली जब कोड मेंशन कर रहे हैं 75% तो आप ले सकते हो। और फंडामेंटल पीरियड जिसको टी हम कह रहे हैं वो अनेक्चर डी में दे रखा है और यही हम कंक्लूड कर रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हम प्लास्टिक हिंज बना रहे हैं, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रैक्ड लेना है, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इतनी ज्यादा स्टिफनेस आने वाली है, वहां प्लास्टिक हिंज हम बना ही नहीं रहे हैं, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर भी मान ले रहे हैं, इसलिए वहां पे एज इट इज जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आएगा आपको वही लेना है। तो इस केस में जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में 0.75 लिखने के लिए एक फैक्टर अलग से हाईलाइट किया है, वो इसी वजह से किया है कि यहाँ पे आप क्रैक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर कर रहे हो फॉर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अब आप इन वैल्यूज को कंप्यूट करो और मुझे आंसर बताओ, तब तक मैं भी कंप्यूट करता हूँ। ऑल दो मैंने स्प्रेडशीट में इसको लिंक कर दिया है तो मैं वहां से भी देख सकता हूँ, बट लेट अस क्रॉस वेरीफाई आर स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस। तो यार ये वाली वैल्यू तो आ रही है 3.84 × 10^11 मिलीमीटर्स एंड 4, और ये वाली डायमेंशन आ रही है 800 × 12,000 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब आप यहीं से देखोगे कि ये क्या हो गया, 1.152 × 10^10। बताओ क्या आएगा, 14। तो यार इस फैक्टर को देखो, बाकी इनको तो भूल जाओ चाहे थोड़ी देर के लिए, इस फैक्टर को देखो आप। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कि यहाँ पे पावर पे 11 है और यहाँ पे पावर पे 14 है, समझ पा रहे हो आप इस चीज को? और अभी नहीं समझ पा रहे हो तो जब ये फोर्स कंप्यूट होगा ना तब अपने आप ही समझ जाओगे कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इतना ज्यादा फोर्स चाहिए होगा उसको हिलाने के लिए, और जो आप फोर्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में देखोगे वो बहुत कम आने वाला है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही कम आ रहा है। तो एनीवेज अभी हम देखते हैं इस पे भी कैसे आएगा। तो यार यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो लास्ट में जरूर पूछ लेना, अभी तो कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो फिर सब कुछ रह जाएगा बीच में ही। ये भी तो यार यहाँ था आई, ओके। तो अब आप देखो इस फॉर्मूला में अभी आपको एफ या पी निकालना है, तो इसको ना यार पी की जगह एफ लिख दो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं, करेक्ट। एंड नाउ वी हैव टू कंसिडर द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एफ एंड वाई विल बी एट सेम प्लेस, ओके। तो पहले हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के लिए एफ कंप्यूट करते हैं। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक्चुअल में एक लाइन मॉडल, ये आपका जो नीचे वाला पॉइंट है आप इसको ले सकते हो फुटिंग का सेंटर भी,
बट क्योंकि हमने वो अब जो स्प्रेडशीट में लिंक कर दिए यहाँ लेवल्स, फुटिंग बॉटम ही लिया हुआ है, तो फुटिंग बॉटम वाला यहाँ पे मैं लेवल लेता हूँ, और वो एक बार ऊपर शायद कहीं लिखा होगा, ये है 5552। ओके, तो अब देखो लाइन मॉडल मैं बना रहा हूँ, और इस लाइन मॉडल में हमें कुछ करना है नहीं, बस एफ की वैल्यू निकालनी है और पॉइंट्स पता होने चाहिए। हमने पढ़ा था ना कोड में कि डिफ्लेक्शन की वैल्यू और फोर्स की वैल्यू लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में सेम पॉइंट पे लेनी है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये मैं मान रहा हूँ बेरिंग टॉप लेवल, क्योंकि हमारे केस में बेरिंग्स पड़ी हैं। अगर आपके केस में डेस्क स्लैब है, सॉलिड डेस्क स्लैब जहाँ बेरिंग्स नहीं है, तो यहाँ पे आप बेरिंग टॉप या कैप टॉप भी ले सकते हो। ओके, तो बेरिंग टॉप लेवल हमारे केस में यहाँ से हम देख पाते हैं 558.133 है, और बॉटम वाला लेवल 552.6 है। तो ये क्या वैल्यूज आ रही है, पहले तो हम ये कंप्यूट करते हैं, और फिर इस लाइन मॉडल में थोड़ी सी और जान भरते हैं। 558.133 में माइनस करता हूँ 552.6, तो ये आता है 5.53। तो दिस डिस्टेंस इज 5.533 मीटर्स। ठीक है, अब हमें फोर्स यहीं पे लगाना है, इसको हटा दो, फोर्स लगाना है यहीं पे, और डिफ्लेक्शन भी यहीं पे कंप्यूट करनी है। डिफ्लेक्शन हमारे पास पता है हमें 1 mm, क्योंकि कोड में कह रहा है ना फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज 1 mm डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन तो हमें पता ही है। तो बस ये लाइन जो 5.533 है, यहाँ पे ये जो ऊपर हमने फॉर्मूला अभी लिखा था, इस फॉर्मूला को यूज करके पहले तो आप वाई को कर दो 1। अब देखना मैं इसको कैसे कोरिलेट कर रहा हूँ, वाई हो रहा है 1 mm मल्टीप्लाइड विद 6 times EI, 6 × E × I अपॉन एफ हमें निकालना है, तो एफ यहीं पे रहने दो इक्वेशन पे जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और x²3L - x, तो यहाँ पे आने वाला है x²3L - x। अब क्योंकि हमारा फोर्स एप्लीकेशन और डिफ्लेक्शन का पॉइंट सेम ही है, तो एक्चुअल में ये जो 5.533 वाली वैल्यू है, यही यहाँ पे x है और यही यहाँ पे l है, तो एक्चुअल में x बन गया है हमारे केस में l फॉर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, x = l। तो अब आप x को l यहाँ प्लग कर दो, तो आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी, 6 times 1 को ऐसे ही रहने दो क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, 6 EI, बट यूनिट्स ध्यान रखना 1 के जो कि mm थे, एंड x हो जाएगा l, तो ये बन गया l²3L - l, तो ये 3L एंड l 2L हो जाएंगे, और ये 6 EI अपॉन l² बाहर पड़ा है और ऑलरेडी यहाँ पे 2L हो चुका है, तो 2L³ बन गया, तो इसीलिए इसको 3 EI विद 1 mm जो कि यहाँ पे है ऑलरेडी अपॉन l³ बन गया, और यही वो छोटा सा फॉर्मूला है PL³/3 EI। तो एक्चुअली जो जनरल फॉर्मूला था उसी से हमने किया है, ताकि जब आप ट्रांसवर्स डायरेक्शन का करो तो आप डरो ना। तो अब देखो इसमें क्या किया, वही किया ना जो यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया, पी अगर मैं यहीं पे रखता हूँ 3 EI/L³, तो ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज मैच कर रही हैं, बस समझाने के लिए इसको मैंने आपको बताया, इसको मत ध्यान दो अभी। तो ठीक है, अब ई की वैल्यू है नहीं है, ई हमने अभी देखा ही नहीं, आई की वैल्यू है जो कि क्रैक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एल की वैल्यू भी है जो कि ये वाली वैल्यू है, इसको हम मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, और आपके पास फोर्स आएगा किलो न्यूटन्स में। अब आप देखो मजा आपको जो आने वाला है, पहले हम ई की वैल्यू देखते हैं, कोड में ई कह रहा है ECM, आपने देखा ना यहाँ कोड में लिखा हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट एज पर IS-112 ECM, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। तो मैंने ऑलरेडी वो स्निप कर दिया था, बट ये याद नहीं अब कहाँ पेस्ट किया है, यहाँ स्प्रेडशीट में किया है। हाँ, तो ये वो देखो, ये वो चार्ट है जो IRC-112 में है, टेबल 6.5। तो इसमें करस्पॉन्डिंग टू योर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, वी आर अज्यूमिंग आर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इन दिस केस, आप क्या लेना चाहते हो, 30 लेना चाहते हो, 35 लेना चाहते हो, तो लेट से आप 30 ले रहे हो या 35 भी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो ये ECM की वैल्यू यहाँ GPA में दे रखी है। ओके, जैसे ये 31 है फॉर 30 ग्रेड एंड 32 है फॉर 35 ग्रेड, तो अगर हम 30 वैल्यू ले रहे हैं, M30 ग्रेड ले रहे हैं, तो 31 लेंगे, और अगर हम M35 ले रहे हैं तो 32 लेंगे, तो लेट से हम M30 ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो अगर हम M30 लेते हैं तो हमें 31 GPA लेना है,
बट 31 GPA को हमें MPa में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सारे फोर्सेज हम न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर और उसमें कंप्यूट करने वाले हैं। तो 31 GPA कंसीडर करते हुए वापस मैं अगर व्हाइट बोर्ड पे आता हूँ, तो नाउ लेट्स जस्ट प्लग द वैल्यूज डायरेक्टली। तो ये वैल्यूज आने वाली हैं 3 टाइम्स e की वैल्यू क्या है, 31 × 1000। ये 1000 इसलिए आया क्योंकि वो जीपीए था, अब ये एमपीए बन गया है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और ऑलरेडी यहाँ 1 mm चल रहा था, तो ये यूनिट्स के ऐसे ध्यान रखने पड़ेंगे। अब रह गया है बस L³। L की वैल्यू क्या है, 5.533, बट ये मीटर्स में है, तो 1000 में इसको कर देते हैं पहले मिलीमीटर्स में, और ये वैल्यू हो जाएगी क्यूब, और यहाँ पे भी मिलीमीटर्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है ये चीज। अब यहाँ पे देखो कुछ यूनिट्स की कटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो यहाँ पे पहले इसको कंप्यूट करते हैं, पहले यूनिट्स का ही हिसाब किताब बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूटन पर m² MPa आ रहा था, i की वैल्यू हमने नहीं ली है, तो यहाँ पे आने वाला है mm4। 1 mm तो हमने ले लिया था, बट i की वैल्यूज नहीं ली ना यूनिट्स की, तो इसीलिए ये जो mm4 आने वाला है, ये इसको मत कट करो अभी, ये हमने गलत कट कर दिया। तो टोटल वैल्यूज आप देखो ऊपर बन रही है mm5, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो कंप्यूट होगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन वाला सिस्टम, यहाँ पे आओ नीचे। यार यूनिट्स के साथ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज सारा कुछ करके भी फिर जब गलत हो जाएगा आप खुद ही हिम्मत आ जाओगे, और शायद मैं भी हार जाऊं, इस वजह से मैं यूनिट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो पहले मैं ये न्यूमेरिकल वैल्यूज कंप्यूट कर लेता हूँ, तो 3 × 31 × 1000 डिवाइडेड बाय 5.533 × 1000 एंड क्यूब, तो ये न्यूटन्स में वैल्यूज आएंगी। थ्री इंटू 31 × 1000, ये तो आप लिखो पहले 93,000 न्यूटन, और क्योंकि ये mm5 बन जाएगा और ये mm² ही है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा, अपॉन 5533 का क्यूब, जो कि 1.69 × 10^11 आने वाला है, और यहाँ नीचे मीटर mm³ था, ये भी कैंसिल हो जाएगा। चैट बॉक्स में बहुत मैसेज आ रहे हैं, आई से मल्टीप्लाई करना रह गया है, करेक्ट, अभी आई के बस यूनिट्स लिए हैं, उससे मल्टीप्लाई नहीं किया, तभी ये 11 वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो इसको आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपकी सही ऑब्जर्वेशन थी, बट ये आई क्रैक्ड है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप आई से मल्टीप्लाई करते हैं, आई की वैल्यूज कहाँ थी, कहाँ थी, 3.84 × 10^11, यहाँ से मैं पिक कर रहा हूँ इस वाली जगह से, ठीक है, 3.84 × 10^11 करना है। तो आप देख रहे हो फोर्सेस तो आपके ये सारे कट ही हो गए हैं, मतलब यूनिट सिर्फ न्यूटन बचा है, 3.84 × 10^11। तो जो नीचे 11 आया था और जो यहाँ 11 आया था, ये डायरेक्टली कट हो जाएगा। अब आपके पास बच रहे हैं 93,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.84 डिवाइडेड बाय 1.69, और ये वैल्यू आती है 211,313.609 न्यूटन्स। जब मैं इसको किलो न्यूटन्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू आनी चाहिए, इससे 1000 से डिवाइड कर दो, 0.33 या 313 किलो न्यूटन्स, या रफली आप इसको 211.3 किलो न्यूटन्स ले सकते हो, एंड चैट बॉक्स में 210 आ रहा है, तो करेक्ट है, 210.8 आ रहा, 211 आ रहा है। सो आप देखो यार लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए आपको 211 किलो न्यूटन फोर्स चाहिए, बस समझ रहे हो इस चीज को। लेकिन जब आप ये ट्रांसवर्स वाला निकालोगे ना, तो आपके खुद ही होश उड़ जाएंगे,
और वो अभी हम उड़ा ही देते हैं, उसके बाद बाकी चीजें करते हैं। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी यार बेसिक फॉर्मूला वही रहने वाला है, बट यहाँ पे अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग रहने वाले हैं। तो ये जैसे कि बेसिक था 552.6, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ लेफ्ट में ऑलरेडी अभी मेंशनड है, और बेरिंग पॉइंट जो था टॉप ऑफ बेरिंग पॉइंट, वहां पे हमें डिफ्लेक्शन चेक करनी है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस तो आपके पास 5.533 ही रहने वाला है, जो कि बेरिंग टॉप है, इसको डिनोट कर देते हैं बीटी से या बेरिंग टॉप। बट एक्चुअल में फोर्स अप्लाई करना है एट सी जी, एफ एट सी जी। तो बेरिंग टॉप से सी जी का क्या डिस्टेंस आने वाला है, और इन अदर वर्ड्स ये टोटल डिस्टेंस बॉटम लेवल से क्या आने वाला है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आपको अगर याद होगा हमने टी बीम जो लिया था उसकी डेप्थ थी 1.4 और थिकनेस ऑफ डेक स्लैब थी 220, तो ये रफली 1.62 बनती है टोटल सुपरस्ट्रक्चर की डेप्थ। तो बेरिंग के टॉप से टोटल सुपरस्ट्रक्चर की डेप्थ का अगर मैं हाफ ले लेता हूँ तो ये एक अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, एक्चुअली वो हाफ से थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, ऐसा सा कुछ सिस्टम था ना हमारे पास। तो मान लो इस टी की वजह से कुछ भी यहाँ पे, अब देखो टी में ऊपर वाला कैप ज्यादा है तो कुछ इसका सीजी थोड़ा ऊपर होगा सेंटर से, ये बात क्लियर है क्योंकि ये वाली डायमेंशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू बॉटम बल्ब, और उसके बाद भी डेस्क स्लैब ऊपर और एडिशनल आ रही है तो ये थोड़ा सीजी और ऊपर होगा। तो जो हम एक अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं टोटल डेप्थ का 1.62 का हाफ, वो थोड़ी है तो गलत, बट टाइम सेव करने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ। आप एक्चुअल में इसको करना जब स्प्रेडशीट में इंकॉर्पोरेट करोगे, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास इस पूरे सेक्शन की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी होंगी, आपको कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा। बट मैं सिर्फ ये प्रोसीजर समझाने के लिए एक्चुअल में इसको 50% ऑफ टोटल डेप्थ ले रहा हूँ। तो इसका ये तो टोटल डेप्थ आ गई, एंड टोटल डेप्थ अगर मैं लेता हूँ तो 1.62.8 आता है, 0.81 आती है मीटर्स में। तो इसका मतलब ये अगर 0.533 है तो ये 0.81 है। ठीक है, तो फोर्स जो अप्लाई होगा अब इस केस में, जो फोर्स अप्लाई होने वाला है वो होने वाला है 5.533 प्लस 0.81 पे, और ये वाली वैल्यूज आ रही है 5.533 प्लस 0.81 6343, इसको मैं मिलीमीटर्स में लिख देता हूँ, ऑल दो ये मीटर्स में है। तो 6343 पे फोर्स की एप्लीकेशन है, बट डिफ्लेक्शन जो हमें निकालनी है वो निकालनी है 5.533 पे। इसी चीज को बार बार फोकस में लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अलग अलग जगह पे डिफ्लेक्शन और फोर्स लगाने हैं फॉर ट्रांसवर्स केस, और यहीं से सारा खेल खराब होता है टाइम पीरियड कंप्यूटेशंस का। तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखना, और वही जो बेसिक फॉर्मूला अभी हम देख ही रहे थे कि फोर्स इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन टाइम्स 6EI। ये देखो याद नहीं है, मैं यहाँ से देख के कर रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे याद है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ से देख के कर रहा हूँ। 6EI यहाँ पे 1 mm को y लिख दिया, अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू 3L माइनस एक्स। अब यहाँ पे एक्स जो है वो 5.533 है, और एल फोर्स जहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो है टोटल लेंथ। ये आपको कैसे पता लगेगा कि x 5.533 है और l 6343 है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है यार। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला था टॉप पे क्या लिखा, डिफ्लेक्शन एट एनी सेक्शन इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो x डिस्टेंस पे क्या डिफ्लेक्शन आ रही है वो आपको लेनी है। तो हमारे केस में अब x यहाँ पे हो गया, बट p या फोर्स जो लग रहा है वो l पे लग रहा है, इसीलिए हम ऐसी चीज कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको वापस बहुत जल्दी स्पीड से ले जाता हूँ अपने मेन उद्देश्य पे। तो यार अब इसको बस वैल्यूज को फीड करो, अभी हम यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू नहीं भूलेंगे क्योंकि वो बहुत भारी भरकम वैल्यू है, अगर वो भूल जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये है वो वैल्यू, तो ठीक है 1 mm आपको पता है, 6 भी आपको पता है, यहाँ पे ई की वैल्यू सेम रहने वाली है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज हुआ है लेकिन कंक्रीट में चेंज नहीं हुआ है। तो ये इंटू आई, आई की वैल्यू क्या है 1.152, थोड़ा लेफ्ट हो जाते हैं, इंटू 10 टू द पावर 14। अब यूनिट्स में लिखूंगा एक साथ ही,
डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू वही है जहां डिफ्लेक्शन चाहिए, और वो है 5533। तो 5533 का स्क्वायर, एंड यहाँ 3 टाइम्स एल की वैल्यू है 6343, सब्ट्रैक्ट करो एक्स की वैल्यू जो है 5533। अब बस यार इसको कंप्यूट करो और ये सारा फोर्स आएगा न्यूटन्स में। क्यों? क्योंकि आई आई के वैल्यू सॉरी 1 mm डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के यूनिट्स ये हो गए, फिर ई की वैल्यू थी, ई के होंगे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और आई के थे एमएम फोर, ठीक है। और नीचे क्या है आपके पास? नीचे सिर्फ डिस्टेंस है एल, एल क्यूब है, तो यहाँ एमएम क्यूब रहेगा। अब ये आप 4, 2 और ये, तो ये टोटल बन जाएगा mm5, क्योंकि मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया, और यहाँ पे न्यूटन mm स्क्वायर, तो ये रह गया 3, और नीचे भी mm3 है, तो ये सब खत्म, सिर्फ बचेगा न्यूटन। कहने का मतलब यही है। अब ये निकालो टोटल वैल्यू क्या आ रही है, और फिर जब ये टोटल वैल्यू आएगी तो आप हैरान हो जाओगे कि वहां पे कितनी छोटी वैल्यू आ रही थी और साइड कितनी ज्यादा आ रही है। तो मैं इसको निकाल ही देता हूँ। 1.152 × 10^14 डिवाइडेड बाय 5533 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 × 6343 माइनस 5533। तो भाई साहब ये जो वैल्यू आ रही है वो छुड़ाने वाली 5180776। अभी आगे भी है डेसिमल के आगे, बट उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑल दो किलो न्यूटन्स में हमें करना है। तो ये वैल्यू आ रही है 5180 किलो न्यूटन्स। देख पा रहे हो आप इस चीज को? डरने की जरूरत नहीं है। अब दोनों वैल्यूज कंपेयर करो, ये वाली और ये वाली। तो आप देख पा रहे हो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है और ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है। अगर आपको ट्रांसवर्स डायरेक्शन में 1 mm डिफ्लेक्शन चाहिए तो वही जो मर्जी कुछ बड़ा सा हथियार ले आओ और इतना फोर्स लगा दो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, तो फिर आप वो 1 mm डिफ्लेक्शन, सिर्फ 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए ये चीज हुई है। बट अगर आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चाह रहे हो तो बस छोटा सा फोर्स लगाओ या खुद ही लात मार दो, तो 211 kN फोर्स लगाओ, 1 mm डिफ्लेक्शन आराम से पाओ। बट ये सिर्फ एफ निकला है, अभी हमारा काम कंप्लीट हुआ नहीं है, और एक्चुअल में 90% काम हो गया है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 × √D/1000f। यहाँ पे f किलो न्यूटन्स में है, d भी किलो न्यूटन्स में है, तो इसी को अब आप यहाँ यूज करो। आपके पास d भी है, f भी है, तो दोनों वैल्यूज टाइम पीरियड्स की यहाँ निकल जानी चाहिए। एक बार जस्ट कंफर्मेशन के लिए मैं चेक कर लेता हूँ कि d और f दोनों ही किलो न्यूटन्स में है ना। तो हाँ आप यहाँ देख पा रहे हो d और f दोनों ही किलो न्यूटन्स में है, d भी किलो न्यूटन्स में है, f भी किलो न्यूटन्स में है। तो ठीक है, यहाँ पे स्क्वेयर रूट करना है हमें एंड में। तो यार एक्चुअल में जब आप मैनुअल कैलकुलेशंस करोगे ना आपको मजा तो आएगा, बट भाई टाइम बहुत लगता है, इसीलिए एक बार करो अपने अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर के लिए, उसके बाद डेफिनेटली जितनी जल्दी हो सकता है स्प्रेडशीट्स पे आ जाओ। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में टाइम पीरियड आने वाला है 2 × d की वैल्यू क्या थी, हम ऊपर से देख लेते हैं, बट जो वैल्यूज हमारे सामने अभी हैं पहले उनको लिख लेते हैं। एफ है 211.3। अब आप बोलोगे यहाँ किलो न्यूटन क्यों लिखा, तो लिख दो, डी की वैल्यू भी किलो न्यूटन में है, तो ये ऑल दो कट हो जाएंगी। और दूसरी साइड भी 2 × √2, यहाँ पे जो डी की वैल्यू आएगी जो डेफिनेटली लॉन्गिट्यूडनल वाले से ज्यादा थी क्योंकि लाइव लोड का 20% ऐड हुआ हुआ है, तो यहाँ पे आप देखोगे 1000 ×5180। अब ये वैल्यू मैं यहाँ से प्लग कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये भी किलो न्यूटन्स है, यहाँ पे भी किलो न्यूटन्स है, तो ये दोनों कट हो जाएगा। अब आप डी की वैल्यू फिल करो और सीधा जल्दी से टाइम पीरियड निकालो, क्योंकि टाइम भी हो गया है और टाइम पीरियड निकालने का टाइम भी आ गया, तो ये दोनों कोइंसिडेंस हो गया। अब मुझे डी ढूंढना पड़ेगा कहाँ लिखा था। तो 1782 एक फिगर है और 1990 दूसरी फिगर है, तो बस हो गया काम आपका। 1782 एंड 1990, 1990 डेट ऑफ बर्थ है किसी का, अगर है तो बता देना। तो ठीक है, इसको मैं कंप्यूट करता हूँ। 1782 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 211.3, इसका स्क्वायर रूट करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यार एक वैल्यू आ रही है 0.1836, और दूसरी वैल्यू जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है वो आ रही है 1990 डिवाइडेड बाय 1000
इसको तो डिवाइड करते हुए भी शर्म आ रही है। इसके केस में तो भाई एस ए अपॉन जी 2.5 ही आने वाले, जिस हिसाब की ये वैल्यू है ना। इसको तो कैलकुलेटर भी कह रहा है कि भाई मत करो, मेरे से इतना काम मत करवाओ, इतना बड़ा फोर्स मैं नहीं झेल पाऊंगा इंटू टू। तो ये वैल्यू आ रही है 0.0123। तो अब ये आया है टाइम पीरियड, इसको हम देखेंगे उस कर्व से। अगर हम अपने बिना माइक्रोस्कोप वाली आंख से देख पाए कि यार ये 2.5 से कम आ रहे हैं, 2.5 आ रहा है, तो डायरेक्टली प्लग करेंगे। और अगर हम नहीं देख पाए उस केस में जो इक्वेशंस पड़ी हुई हैं कोड में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको करते हैं स्प्लिट, ठीक है। अभी आपको आधी स्क्रीन डिस्प्ले करवाऊंगा। तो अगर आप अभी आधी स्क्रीन देख पा रहे हो दोनों ही, एक बार प्लीज कंफर्म करो, दोनों आधी आधी स्क्रीन्स आपको दिख रही हैं? स्प्लिट स्क्रीन्स अगर दिख रही हैं तो प्लीज लेट मी नो। अगर आपको कुछ भी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है तब भी एक बार बता दूं। ओके, तो इट मींस कि दोनों ही दिख रही हैं और यही हमें चाहिए भी था। तो यार देखो, माइक्रोस्कोप वाली आंखों से पहले ट्राई करते हैं, कहाँ गया वो जो हमारा रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा कर्व है। ये रहा रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा कर्व। तो अब आप देखो पहले लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन क्या था, एस ए अपॉन जी निकालना, और उसके लिए टाइम पीरियड निकालना पड़ा, इतनी सारी मेहनत करनी पड़ी। बट अब मेहनत रंग लाने वाली है। ये 0.18 वैल्यू लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, एस ए अपॉन जी, यहाँ एल लिख देता हूँ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो क्या आप 0.18 यहाँ कहीं देख पाओगे? वैसे तो मुझे लग रहा है कि नहीं देख पाओगे, क्योंकि हो सकता है 0.18 कहीं यहीं पर आ जाए और यहाँ पे एस ए अपॉन जी कुछ वैल्यू कम है, मतलब 0.18 कहीं इस रेंज में आएगा और यहाँ पे एस ए अपॉन जी 2.5 नहीं है। और अगर आप 0.0123 देखते हो तो यार ये भी नहीं आप देख पाओगे सही से। तो इसका मतलब यही है कि अभी हमें इक्वेशंस का सहारा लेना पड़ेगा। और उस केस में मैं अभी आपको इक्वेशंस दिखाता हूँ। पहले हम कंसीडर कर रहे हैं टाइप वन सॉइल है। अब ये कैसे पता चलता है टाइप वन है कि टाइप टू है कि टाइप थ्री है? अगर आपकी सॉइल की क्वालिटी अच्छी है तो टाइप वन ही रहेगी। और ये आपको नहीं ये फैसला लेना, ये फैसला आपको जियोटेक वाला लेके दे देगा कि वहां पे उसके बाद एसपीटी वैल्यूज एन, जब वहां पे एसपीटी टेस्ट होगा एन की वैल्यूज अगर 30 से ज्यादा आएंगी तो टाइप वन वो खुद ही क्लासीफाई हो जाएगा। तो हम अभी अज्यूम कर रहे हैं इस वाले स्ट्रक्चर के लिए टाइप वन सॉइल है, ठीक है। तो अब आप देखो 0.1836 जो वैल्यू है वो यहाँ कहाँ लाई कर रही है? 0.18 इसमें लाई कर रही है, टॉप वाले में नहीं कर रही है, क्योंकि ये 0.1 से ज्यादा है। अब 0.1 एंड 0.04 इसमें लाई जरूर कर रही है, सेकंड वाले में, करेक्ट। तो एस ए अपॉन जी अगर सेकंड वाले में लाई कर रही है तो यहाँ पे हो गया 2.5, क्लियरली। तो जो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि आप डायरेक्टली डाई भी ले सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कैलकुलेशन इसी वजह से डाई आई है और इसी वजह से मैं कह रहा था, ऐसा नहीं है। ये कंप्यूट करके आया है 2.5, तो आपको 2.5 ही लेना है। अब आप कम नहीं ले सकते लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन फोर्सेस। तो अब यहाँ पे देखते हैं ये जो छोटी सी वैल्यू है 0.0123 के लिए एस ए अपॉन जी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या आया हुआ है, ये चेक करते हैं। तो 0.01 कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट वाले केस में, है ना, क्योंकि 0.1 से छोटा है ये, तो ये यहीं पे लाई करेगा। इसके लिए 1 + 15 टाइम्स टी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ कर दो 1 + 15 टाइम्स टी, और इसको करके भी आप क्या ही कर लोगे क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी इतनी छोटी है 0.012। तो अब कोड वाला काम हो गया है, वापिस से आप बड़ा विजन देखो, एक बड़ा सा फोर्स या बड़ी सी स्प्लिट स्क्रीन देखो पूरी की पूरी। तो ये वाली वैल्यूज क्या आ रही है, 0.0123 मल्टीप्लाइड विथ 15 + 1, तो 1.184 वैल्यू आ रही है। तो अप्रोक्सीमेटली 1.2, आप 1.1 1.2 आप कह सकते हो, बट क्यों करनी है अप्रोक्सीमेशन यार, इतनी कैलकुलेशन किया तो इसको रखेंगे हम 3 डेसिमल तक, ठीक है। फिर इसको आप फॉर्मुलेट करेंगे हम बाद में स्प्रेडशीट में। अब आपका मेन काम अभी भी नहीं हुआ भाई, अभी सिर्फ एस ए अपॉन जी आया है, समझ रहे हो इस बात को? तो डरना नहीं है, ये वाला था फॉर्मूला AHZ/2 SA/G (I/R). ओके, तो जेड अपॉन टू क्या था, 0.36/2, एस ए अपॉन जी आपके केस में 2.5 आ चुका है।
आए हमने इंपॉर्टेंस फैक्टर रिवर ब्रिज है 1.2 लिया हुआ है, और रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर यहाँ पे लिख दो एल, फॉर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन आप 3 ले रहे हो, तो इसको कंप्यूट करो और फाइनल जो मेन इंटेंशन था ए एच वो निकाल के बताओ। तब तक मैं यहाँ पे ट्रांसवर्स डायरेक्शन का भी प्लग कर देता हूँ, तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी यही वैल्यूज रहेंगी, ए एच इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ए एच इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, जेड अपॉन टू इंटू एस ए अपॉन जी इंटू आई अपॉन आर, बट आर यहाँ पे ट्रांसवर्स डायरेक्शन वाला है, तो यहाँ पे 0.36 अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय एस ए अपॉन जी 1.184 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 की जगह 1.2 ही रहेगा क्योंकि आई वैल्यू है, मैं ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंफ्यूज हो रहा था, तो ये आई वैल्यू है इससे कंफ्यूज मत होना, ये इंपॉर्टेंस फैक्टर है और यहाँ पे 3 की जगह 1 आने वाला है। तो बस दोनों वैल्यूज जल्दी से कंप्यूट करके बताओ और फिर आज इस सेशन को करते हैं क्लोज, और फिर मैं थोड़ा सा पीता हूँ पानी। पहले मैं इसको निकाल देता हूँ 0.18 इंटू 2.5 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 3, तो 0.18 यहाँ पे आ रही है वैल्यू बेस शेयर की। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं यार थोड़ा सा, 0.18 कंफर्म करना क्या यही वैल्यू आ रही है, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो बेस शेयर आ रहा है वो आ रहा है 0.18 इंटू 1.184 इंटू 1.2, तो ये आ रहा है 0.25। ओके, तो भाई ये थी पूरी कहानी बेस शेयर निकालने की। अब आपका सीज्मिक फोर्सेस निकालने का 70% काम हो गया है, क्योंकि जैसे हमने अर्थ प्रेशर में कोफिशियंट निकाला था, उस कोफिशियंट को मल्टीप्लाई किया था प्रेशर डायग्राम से टू गेट अ फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब इन्हीं वैल्यूज को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जब सीज्मिक फोर्स आएगा तो 0.18 मल्टीप्लाई करेंगे सारे वर्टिकल लोड से, और जब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में सीज्मिक फोर्स आएगा तो 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके साथ एक और कैच है, जब आप एक डायरेक्शन में फोर्स कंसिडर कर रहे हो तो दूसरी डायरेक्शन में चाहे आए या ना आए कैलकुलेशन में उसका 30% आपने लेना ही लेना है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस, 30% रूल जो है सीज्मिक फोर्सेस के कॉम्बिनेशंस में। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो आप ये अब जान लो कि आप सीज्मिक फोर्स आराम से निकाल सकते हो, और ये जो भी आज इतना बड़ा, इतना तो कभी क्वेश्चन पेपर में भी सॉल्व नहीं किया होगा हमने, ये जो भी आज कैलकुलेशंस हुई है ना एक बार जरूर मैनुअली करना और फिर स्प्रेडशीट में प्लग करना। तो अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको ना मैं पहले स्निप करके स्प्रेडशीट में पेस्ट कर देता हूँ, ताकि जब मैं लिंकिंग करूंगा उस स्प्रेडशीट की तो हमें इजीली हेल्प हो जाए, और हो सकता है कि मैंने कुछ लिंकिंग की भी थी, लेट अस सी कुछ फल मिला भी है या नहीं। तो इन सबको अब इन सबको करते हैं ऑन, तो पहले 5816 वैल्यू के अराउंड तो आ ही रहा था, ये तो ठीक है, 210 भी आ रहा था ये भी ठीक है। अब टाइम पीरियड भी निकाल ही लेते हैं, तो टाइम पीरियड 0.18 एस ए अपॉन जी और ए एच, ये ए एच की वैल्यूज हैं इससे कंफ्यूज मत होना जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो 2.5 हमारा एक डायरेक्शन में आया था ना एस ए अपॉन जी, वापिस देख लेंगे, हाँ आया हुआ है ये 2.5 और 1.18 भी आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि भाई स्प्रेडशीट जो लिंक की हुई है सही चल रही है। रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर यहाँ तक आप इसको ऑन कर लो, और ये दोनों मेन वैल्यूज हैं जो आपकी आ गई हैं एंड वी आर सेटिस्फाइड विद आर कैलकुलेशंस। ये दोनों रेड क्यों नहीं हो रही, हो गई, तो 0.18 एंड 0.255। अब ये 0.25 क्यों है, इसके आगे भी कुछ है, ठीक है करेक्ट। तो हमने सेटिस्फैक्टरीली ये कंप्यूटेशंस कर ली हैं, अब इसके आगे आप देखोगे बहुत सारे टेबल अभी खाली पड़े हुए हैं, लिंकिंग नहीं की है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और फिर उसके उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि सीज्मिक फोर्स से फोर्स लगता कैसे है। तो अगर आज का सेशन आपको समझ आया है तो सही चीज है, अगर नहीं आया तो भी कोई टेंशन नहीं है, एक बार बस कनेक्शन डी लो, एक एक करके पहले डी निकालो एफ निकालो, और याद कुछ करना नहीं है, लाइन पढ़ो कोड की और आगे प्रोसीड करते जाओ, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बावजूद भी अगर आपको डाउट आएगा तो प्लीज हम डिस्कस कर लेंगे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी इस सेशन को मैं क्लोज कर रहा हूँ। हाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप इससे आपको टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है उसकी डिटेल्स के बारे में पता चला होगा। अबटमेंट सीरीज के टोटल 50 सेशंस हैं, ऑल दो वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट कि हर वीक एक सेशन अपलोड हो, बट इन केस एनी वन वॉन्ट्स टू अवेल ऑल दिस 50 सेशंस एट वंस
Please let me know in the comment section and I will guide you how you can avail all these sessions at once. So thanks for watching and stay tuned for more such content only on this channel, all about bridge engineering.